Hello my dear students, good morning. How are you? I hope you all will be fine. students, in my today's video, I am going to explain the story named a gift of chapels. A gift of chapels. This is our first word in chapter 1 in unit 2, right? in my last video i had explained to you second chapter of unit 1 and we had completed unit 1 okay and the students who have not completed unit 1 or ha or have left anything in that chapter are advised to do that as soon as possible so they don't face any further problem while solving question answer and exercises of unit 2 right

आप सब जानते हैं और आप आई होप कि आप सब ने वर्क कंप्लीट कर लिया है फेयर कॉपी में आप लोग को यूनिट वन का सारा वर्क जो है वो फेयर कॉपी में करना है वो यूनिट वन का चैप्टर वन हो उसके सारे एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन आंसर और यूनिट वन का जो सेकंड चैप्टर है पोएम उसके भी जो एक्सरसाइज है वो भी आपको कॉपी में फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेनी है अगर आपने अभी नहीं किया है तो उसको आप पहले कंप्लीट कर लो सारी चीज़ें कॉपी में होनी चाहिए एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग आपकी कॉपी में जरूर होना चाहिए ठीक है आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नेम है आ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों सो बिफोर स्टार्ट ठीक है वी मस्ट नो वाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल ठीक है तो शुरू करने से पहले हमको जानना चाहिए कि जो है भाई टाइटल का मीनिंग क्या होता है सो बिफोर वी स्टार्ट लेट्स नो ठीक है सो आगे फॉप चप्पल चप्पल मीन्स यू ऑल नो यू यू ऑल वी योर द चप्पल मीन्स स्लीपर्स दैट यू वी योर ठीक है ऑन योर फीट ओके जो अपने फीट पर पहनते हैं चप्पल आप सब जानते हैं गिफ्ट मीन्स क्या होता है उपहार होता है तो भाई चप्पलों का उपहार अब सो तो आप सोच रहे होंगे चप्पलों का उपहार क्या होता है तो भाई किसी ने चप्पलों का गिफ्ट दिया होगा ठीक है अब आप सोच रहे होंगे सर चप्पलों का गिफ्ट कौन देता है भाई ठीक है तो बस इसी कहानी में इस स्टोरी में कुछ ऐसा ही है जहाँ पर जो चप्पल है उसका गिफ्ट दिया जाता है ठीक है सो तो अब आप समझ चुके होंगे कहानी जो स्टोरी है थोड़ी सी फनी है ठीक है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रामेटिक भी है जो आपको अच्छा कहीं ना कहीं बांध के रखेगी स्टोरी को तो आप सब लोग स्टोरी को पढ़िए और जिन जिन वर्ड्स को मैं हाईलाइट करूँगा उन वर्ड्स की आप मीनिंग जो है अच्छे से फोकस करिएगा और खासकर जो वर्ड्स मैं प्रोनाउंस करूँगा जो थोड़े से टिपिकल हैं रीडिंग करने में उनको आप दो तीन बार रीडिंग करिएगा ठीक है मेन आपका जो होना चाहिए एम जो मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूँ उनकी मीनिंग आपको आनी चाहिए और जो वर्ड्स ठीक है जो थोड़े डिफिकल्ट हैं उनको आप प्रोनाउंस मैं करता हूँ तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब देखिए बच्चों पैरेंट्स से पहले थोड़ा सा मैं आपको समरी बताता हूँ देखिए दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ फोर कजिन्स ठीक है चार कजिन्स की स्टोरी है मृदु रवि लाली एंड वन मोर मीना ठीक है तो ये चार कजिन्स हैं जिनकी स्टोरी है तो होता क्या है कि मृदु इज़ अ यंग गर्ल मृदु जो है वो एक यंग गर्ल है युवा लड़की है ग्रोइंग अप इन मद्रास जो कि मद्रास में रहती है मद्रास का न्यू नेम है चेन्नई ठीक है तो चेन्नई में रहती है अपने तापी के साथ तापी तापी मतलब तापी जो होता है वो उसके दादा दादी जी को हम लोग चेन्नई में यानी तमिल भाषा में दादी तापी कहते हैं ठीक है थीके? तो मृदु जो है वो अपने दादी के साथ चेन्नई में रहती है और अपने थाथा के साथ थाथा मीन्स दादा यानी अपने दादाजी और दादाजी के साथ चेन्नई में रहती है ठीक है तो एक दिन होता क्या है कि उनकी दादी जी जो है वो वो जो है लेके जाती हैं मृदु को अपने बुआ के यहाँ मिलवाने के लिए बुआ के यहाँ लेके जाती हैं अपने कजन से मिलवाने के लिए अपने बुआ के लड़कों से लड़कियों से मिलवाने के लिए मृदु को लेकर जाती हैं उसकी दादी जी ठीक है तो वहाँ पर जब जाती हैं तो उसकी रुकमणी जो उसकी बुआ जी हैं वो दरवाजे को खोलती हैं और जैसे ही दरवाजे को खोलती हैं तो आगे क्या होता है आप इसको स्टोरी में पढ़ेंगे ओके चलिए मैं पहले रीडिंग करके आपको पैराग्राफ एक्सप्लेन करता हूँ देखिए स्माइलिंग रुकमणी स्माइलिंग रुकमणी थ्रू ओपन द डोर रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड एंड रवि पुलड मृदु इन टू द हाउस वेट वेट लेट मीटेक लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड 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 मृदु के सी सेट दम आउट सी सेट दम आउट नीटली नियर अपेयर ऑफ लार्ज ब्लैक व

मुस्कुराते हुए रुक्मणी ने दरवाजे को खोला रुक्मणी कौन है बुआ जी मृदु की बुआ जी रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए दरवाजे को खोला रवि एंड मीना रस्ट आउट तभी घर के अंदर से रवि और मीना निकले रवि और मीना कौन है भाई मृदु के कजन है ठीक है तो रवि और मीना बाहर आए रस्ट आउट मतलब होता है जल्दी जल्दी से बाहर आना ठीक है रस मतलब जल्दी जल्दी कोई काम करना ठीक है याद रखिएगा रस मतलब क्या होगा जल्दी जल्दी कोई काम करना ठीक है तो रवि और मीना जल्दी से घर से बाहर आए दरवाजे से एंड पुल्ड एंड रवि पुल्ड मृदु इन टू द हाउस और रवि ने क्या किया मृदु का हाथ पकड़कर घर में घसीट लिया वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स ठीक है तब मृदु ने बोला रुको रुको ठीक है मुझे मेरे स्लीपर्स तो उतारने दो टेक ऑफ ठीक है टेक ऑफ मतलब क्या होता है बच्चों उतारना ठीक है तो याद रखिएगा टेक ऑफ मतलब होता है उतारना ठीक है तो उसने बोला भाई मुझे अपने चप्पल तो उतारने दो प्रोटेस्टेड मृदु प्रोटेस्टेड मतलब क्या होता है विरोध करना अब विरोध करने का मतलब है उसको मना करना ठीक है भाई क्यों रुक जाओ मुझे अपने चप्पल तो उतारने दो कि उसने बोला भाई रुक जाओ मुझे अपने चप्पल तो उतारने दो सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस तो मृदु ने क्या किया अपने चप्पल जो है एक काले चप्पलों के जो जोड़े थे उनके पास उतार दिए साफ सुथरी जगह पर ठीक है नीटली मतलब क्या होता है साफ सुथरे से ठीक है सफाई से तो उसने क्या किया मृदु ने अपने चप्पल जो है एक काले चप्पलों के जोड़े के पास उसने उतार दिए ठीक है आगे देखिए दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट वहाँ पर जो काले काले चप्पल के जोड़े रखे हुए थे वह गंदे थे भूरे कलर के थे और धूल से भरे हुए थे यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ इलीपर और जो जो काला काला स्लीपर रखा हुआ था दोनों उस पर आप साफ बिल्कुल साफ साफ जो है पंजे का निशान देख सकते थे उसके अगले भाग पर ठीक है द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रानी और जो उस पर पंजे के निशान बने हुए थे उस आगे जो है स्लीपर के आगे वाले भाग पर

पतले पतले थे ठीक है तो मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर्क लेकिन मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो इस पर डिस्कस करे कि भाई ये स्लीपर किसके हैं ठीक है बिकॉज रवि ड्रैग हड टू द बैकयार्ड क्योंकि रवि ने उसको क्या किया ड्रैग मतलब होता है खींच लेना याद रखिएगा ठीक है थीके? ड्रैग मतलब होता है भगा लेना या खींच लेना ठीक है तो खींचना खींचा तो रवि ने क्या किया उसको जल्दी जल्दी खींच लिया कहाँ पर बैकयार्ड बैकयार्ड मतलब आंगन में तो मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो देख सकती जांच पाती कि भाई किसके चप्पल हैं क्योंकि रवि ने उसको अपने आंगन में ज़बरदस्ती घसीट लिया था ओके सो बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बस देखिए बिटर बेरी क्या होता है बिटर बेरी बच्चों घास पू होता है एक प्रकार का पौधा होता है ठीक है तो थिक मतलब क्या होता है मोटा तो कहां पर लेकर गया रवि उसको बिटर बेरी जो घास थी उसके पास लेकर गया झाड़ी बस मतलब क्या होता है झाड़ी तो बिटर बेरी की झाड़ियों के पास उसको लेकर गया ठीक है आप देख सकते हैं बिटर बेरी की झाड़ी ये है ये ठीक है ये बिटर बेरी है बच्चों ठीक है यही है बिटर बेरी यू कैन सी है ओके चलिए देखते हैं ठीक है दे आर अ टॉर्न फुटबॉल टॉर्न मतलब होता है फटा हुआ ठीक है टॉर्न मतलब होता है फटा हुआ तो देखिए

सेड मीना मीना ने बोला ये बहुत ही ज्यादा दयनीय बात है ठीक है कि वो बेचारा बाहर पड़ा हुआ रो रहा था इट्स सॉरी 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 मैंने कुछ स्किप किया है पोअर थिंग सेड मीना ओके सो सो इट्स अ सीक्रेट ये क्या है एक रहस्य है ठीक है मीना बोलती है ये एक रहस्य है अम्मा सेज़ अम्मा कहती हैं पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव किड तो मीना कहती है ये एक रहस्य है क्योंकि अम्मा मेरी उसकी माँ कहती है कि अगर दादी को पाती मीन्स क्या होता है ठीक है दादी को ठीक है तो कहता है कि अगर दादी को ये बात मालूम चल गई तो वो है पद्दू मामा के घर चली जाएंगी ठीक है अगर उनको ये बात मालूम चल गई कि हम लोग के पास एक बिल्ली है तो वो तो पद्दू मामा के घर चली जाएंगी ये घर छोड़ देंगे ठीक है तो आगे देखिए पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट वेन वी आर दे स्क्रेम ठीक है तो क्या कहता है रवि रवि कहता है कि लोग तो कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दया भावना दिखानी चाहिए हमें जानवरों के प्रति दया भावना दिखानी चाहिए लेकिन जब हम उनके प्रति दया भावना दिखाते हैं तो क्या कहते हैं स्क्रेम वे चिल्लाना शुरू कर देते हैं ठीक है वे चिंगाने लगते हैं चिल्लाने लगते हैं ठीक है गुस्सा होने लगते हैं ओह ओह ठीक है डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर लोग कहते हैं गंदे गंदे जानवरों को गंदे गंदे इन क्रिएचर्स को यहाँ मत लेकर आओ ठीक है लोग पहले कहते हैं कि भाई जानवरों को पालो पोसो उनके प्रति दया भावना रखो लेकिन जैसे ही हम उनको घर लेकर आते हैं तो बोलते हैं भाई गंदे जानवरों को यहाँ लेकर मत आओ ठीक है रवि ने ऐसा बोला डू यू नो हाउ हार्ड इट इज डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट A little milk from the kitchen. Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it. But the way but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her up the scent. Okay? Then she wanted the tumbler back. Pati Pati. I'll wash it myself. Why should I put you to ट्रेवल आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एन टॉर द मिल्क चलिए देखिए क्या होता है तो do you know how hard? तो रवि कहता है तुमको पता है मृदू ये कितना मुश्किल होता है उसके लिए किचन से दूध लेकर आना पाती सा विद ग्लास पाती ने मेरे हाथ में एक दिन ग्लास देख लिया दूध का और आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री तो मैंने उनको बताया कि मुझे बहुत भूख लगी है आई वॉन्ट टू ड्रिंक इसीलिए मैं इसे पीना चाहता हूँ बट द वे सी लुक्ड एट मी लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरी तरफ देखा आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट आप इट तो मुझे बहुत सारा दूध उस गिलास में से पीना पड़ा टू तो थ्रो हर ऑफ द सेंट देखिए थ्रो हर ऑफ द सेंट एक क्या है बेटो एक जो है एडियम है मुहावरा है इसका मतलब होता है उनको जो है ताकि वो जो है इस बात का विश्वास कर जाए ठीक है उनको विश्वास दिलाने के लिए मुझे उसमें से बहुत सारा दूध पीना पड़ा ओके देन सी वांटेड द टम्बलर देखिए टम्बलर जो वर्ड है वो याद रखिए टम्बलर मतलब पीने का गिलास होता है क्या होता है पीने का गिलास ये याद रखिएगा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है टम्बलर वर्ड इसको आप नोट भी कर लीजिएगा ठीक है तो टम्बलर तो दादी जब मैंने उसमें से गिलास से पानी पिया तो दादी बोली लाओ मुझे जो गिलास है उसको वापस दे दो पाती पाती आइल वॉश एट माई सेल्फ तब रवि बोला दादी दादी मैं खुद ही गिलास को साफ कर लूँगा व्हाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल मैं आपको मुश्किल में क्यों डालूँ क्यों आप तकलीफ़ करेंगे धुलने की आई टोल्ड हर मैंने उन्हें बोला आई हैड टू रन तब मुझे दौड़ना पड़ा एंड पावर पावर मतलब होता उड़ेलना ठीक है उड़ेलना ओके तब मुझे वहाँ से दौड़ना पड़ा और उड़ेलना पड़ा मिल्क एंड टू दिस कोकोनट सेल तब मैं दौड़ कर आया और मैंने जो दूध था उसको कोकोनट सेल में उड़ेल दिया एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर उसके बाद दौड़ गया और जो टम्बलर था उसको धुल दिया एंड पुट इट बैक बिफोर सी गॉड रिली सस्पीसियस और इससे पहले कि दादी को कुछ ज़्यादा संदेह हो दादी सस्पीसियस मतलब क्या होता है संदेहवादी है ना जिसको संदेह होता है किसी बात पर शक होता है उसको सस्पीसियस कहते हैं है। तो इससे पहले दादी और ज़्यादा संदेहवादी हो जाए दादी को और शक हो जाए मैंने गिलास को धुलकर अपनी जगह पर रख दिया नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन अब हमको महेंद्रन को दूध पिलाने के लिए कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा ठीक है तो महेंद्रन दिस लिटिल टिस नेम इज महेंद्रन मृदुवाद इंप्रेस्ड ठीक है महेंद्रन इस छोटे से इस छोटे से बिल्ली का नाम महेंद्रन है ठीक है मृदु वाज इम्प्रेस्ड मृदु इम्प्रेस्ड हो गई इस बात से इट वाज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ कट किटी कैट नेम मृदु ने बोला इस छोटे से बच्चे इस छोटे से क्रिएचर का नेम महेंद्रन है तो रवि ने बताया हाँ इसका असली नाम महेंद्रन है ये कोई बना बनाया नाम नहीं है ये वास्तव में इसका महेंद्रन नेम है एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव ही ठीक है तो रवि ने बताया इसका जो पूरा पूरा नाम है दरअसल उसका पूरा पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लो पुनई एम पी पुनई फॉर शॉर्ट और अगर आप शार्ट में बोलना चाहते हैं तो आप एम पी पुनई बोल सकते हैं लेकिन पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लो पुनई ही फाइन ब्रीड ये बिल्लियों का बहुत जबरदस्त ब्रीड है ठीक है जस्ट लुक एट हिज हिस्सुरथ उसने बोला इसके पंजे की तरफ देखो लाइक अ लायंस मेन जैसे लगता है बिल्कुल शेर की तरह हो एंड यू नो वाट द एम्बल ऑफ द एंशियंट पल्लो किंग वॉज और तुमको पता है जो पुराने जमाने में पल्लो राजा लोग हुआ करते थे उनका राष्ट्रीय चिन्ह क्या था डोंट यू क्या तुमको नहीं पता ही लुकड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु उसने मृदू की तरफ ऐसे देखा जैसे उम्मीद भरी निगाहों से देखा ठीक है एक्सपेक्टेंटली मतलब होता है उम्मीद भरी निगाहों से ठीक है उम्मीद भरे आशा पूर्ण ठीक है आशा पूर्ण ठीक है तो उसने बोला भाई ये जो बिल्ली है ये कोई और नहीं है बल्कि जो पुराने जमाने में एंशियन मतलब प्राचीन जो

यू सम टाइम कभी तुमको ये बात दिखाऊंगा इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री उसने बोला एक बात तो ये क्लियर है कि तुमको इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो हैव यू कभी गई हो ही सेड मिस्टीरियसली ठीक है उसने रहस्यमय पूर्ण तरीके से मिस्टीरियसली मतलब होता है रहस्यमय ठीक है उसने रहस्यमय तरीके से पूछा कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो वेल well, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम रवि कहता है जब हमारा क्लास महाबलीपुरम गया आई सा आ स्टेचू ऑफ थाथास थाथास था 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 था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा तब रवि ने बताया जब मैं महाबलीपुरम गया था हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तब हमने इस बिल्ली के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादा जी के दादा जी के पूर्वजों को देखा था फैक्ट इज़ और असलियत में बात यह है कि जो महेंद्रन है जो बिल्ली है हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम डैट वेरी सेम एंशियंट कैड वो उसी पुरानी प्राचीन जो बिल्ली

संबंध रखता है एम्बल आपदार पल्लो डायनेस्टी जो पल्लो डायनेस्टी हुआ करती थी इतिहास में आपने पढ़ा होगा भाई हिस्ट्री में पल्लव लोगों को तो जो पल्लव डायनेस्टी हुआ करती थी उन्हीं का जो एम्बलम जो राष्ट्रीय चिन्ह हुआ करता था राज उनका राष्ट्रीय चिन्ह था शेर क्या था शेर तो जो उनका राष्ट्रीय चिन्ह था शेर ये उसी का वंशज है रवि वेंट ऑन रवि बताता रहा वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बस उसी बिटर बेरी झाड़ियों के आसपास घूम घूम कर ये बात उसको बताता रहा वेविंग अ ट्विक अप एंड डाउन हिज आईज स्पार्कलिंग ठीक है वो इधर उधर घूम रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी स्पार्कलिंग मतलब क्या होता चमकना ठीक है बच्चों चमकना तो इधर इधर उधर घूम रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी ठीक है दिस कैट इज डिसेंडेंट दिस कैट इज डिसन उसने बताया ये जो बिल्ली है ये कोई छोटा मोटा बिल्ली नहीं है नन अदर देन महाबलीपुरम ऋषि कैट ये जो महाबलीपुरम में ऋषि कैट हैं उन्हीं का वंशज है महाबलीपुरम अगर आप लोग गए हो तो वहां पर बिल्ली की स्टैचू लगा हुआ है ऋषि कैट का ठीक है ऋषि कैट का तो बोलता है उन्हीं का भाई ये वंशज है एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू और अगर मैं तुमको ये बात याद दिलाऊं दे वर्सिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट और जो पुराना मिस्र हुआ करता था इजिप्ट हुआ करता था वहां पर बिल्लियों की पूजा की जाती थी ठीक है हाउ ही लवि ओन वॉइस और किस प्रकार से रवि को अपनी खुद की आवाज पसंद सो so भाई उस, उसको अपनी आवाज खुद की आवाज पसंद आ रही थी मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक अब मृदा सॉरी मृदु एंड मीना ने एक दूसरे की तरफ देखा वाट डज डैट हैव टू डू विथ एनी थिंग मृदु डिमांडेड तब मृदु ने पूछा इससे उसका क्या लेना देना है ठीक है इजिप्ट में जो बिल्लियाँ बिल्लियों को पूजा की जाती थी इससे क्या लेना देना है ठीक है तुमने तो बताया कि भाई ये लोग जो पल्लो वंश को पल्लो जो राज जो राजा लोग थे उनका जो राष्ट्रीय चिन्ह था शेर उन्हीं का वंशज है उसके बाद तुमने बताया जो महाबलीपुरम है वहाँ पर जो जो मूर्ति लगी हुई है उनका वंशज है अब तुम बता रहे हो इजिप्ट में जो बिल्ली की पूजा की जाती थी अब बताओ इससे क्या लेना देना है ठीक है सो हूँ आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड तब रवि ने बताया मैं तुमको बता रहा हूँ ना ये बिल्ली जो है वंशज है फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड जो इजिप्ट में जो कैट गॉड थे जो बिल्ली भगवान थी बिल्लियों की पूजा की जाती थी इजिप्ट में तो जो उनके भगवान थे बिल्लियों के नो no, गॉडेस बोलता नहीं नहीं जो भगवान भवानी थी जो माता जी थी या ठीक है उनकी जो है बेस्टेट ये उन्हीं का जो है जो कैट गॉडेस थी उनका नाम था बेस्टेट ठीक है इजिप्ट में एक कैट गॉडेस हुआ करती थी ठीक है कैट गॉडेस ठीक है मतलब कि जो है एक भगवती हुआ करती थी भवानी ठीक है जो है उनका नाम था बेस्टेड जो बिल्ली के स्वरूप में थी ठीक है तो उन बोलता है ये रवि कि भाई सॉरी स्टूडेंट्स तो सॉरी स्टूडेंट थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी तो भाई हुआ क्या कि जो कैट है वो उन्हीं जो इजिप्ट की जो गॉडेस थी जो भवानी थी बेस्ट ये उन्हीं का वंशज है ठीक है सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ कैट गॉडेस इन वन ऑफ द पल्लव तो वो आगे बताता है रवि कि जो वो बिल्ली की जो भगवती थी उन्हीं का जो एक वंशज था स्टो थावेव ठीक है जो पल्लव सिप्स जो पल्लव राजकुमार हुआ करते थे उन्हीं में एक उनका वंशज हुआ करता था एंड हिज हिस्सेंडेड वाज द महाबलीपुरम और जो उनका वंशज था वो महाबलीपुरम का ऋषि कैट था ठीक है और जिस उसका और जो वंशज है वो कोई और नहीं बल्कि ये हमारा महेंद्रन है मतलब रवि ने क्या बताया रवि बताया कि जो पहले प्राचीन जमाने में जो इजिप्ट में जो कैट गॉडेस हुआ करती थी जो भगवती हुआ करती थी बिल्लियों की उनका जो वंशज था वो पल्लव राज पल्लव राजाओं के पास था और जो उनका वंशज था वो महाबलीपुरम में उसकी मूर्ति लगी हुई है और जो तो उनका वंशज है वो कोई और नहीं बल्कि ये हमारा एम पी ही है ये महेंद्रन है ठीक है हुईक ही स्ट्रिग्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ ठीक है और वो क्या किया उसने वो खुश हो गया ठीक है बहुत अपने आप से खुश था यह बात बताकर महेंद्रन अप महेंद्रन ने ऊपर देखा अलार्म्ड ठीक है वो बहुत ही चकित हो गया ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज वो अपने पंजों को नुकीला कर रहा था ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल वो जो नारियल का जो शेल था उस पर क्या कर रहा था अपने पंजों को शार्प कर रहा था बट वर्स दैन रवीस आफुल वूप वाज अ क्रीज लेकिन उससे भी जो बुरी चीज़ आफुल मतलब होता है बुरा भद्दा जो लेकिन उससे भी जो भद्दा चीज़ था वो क्या था वो वाज अ क्रीज वो जो है वो एक तरह की आवाज़ आ रही थी ठीक है एक तरह की आवाज़ आ रही थी बहुत क्रीज मतलब होता है साउंड एक बहुत भयानक आवाज़ आ रही थी फ्रॉम द विंडो कहाँ से खिड़की से वाट अ वियर्ड साउंड कितनी अजीब आवाज़ थी एक मृदु वाज स्टार्ट ठीक है मृदु जो है वो इसके बारे में उसने पूछा एम पी पुनाई वाज फ्राइटेंड ठीक है स्टार्ट मतलब होता है भाई आश्चर्यचकित हो जाना ठीक है स्टार्टड मतलब हो जाना है हो जाता है आश्चर्यचकित हो जाना ओके सो so, स्टार्टड जो मृदु थी वो आश्चर्यचकित हो गई ठीक है सो वाटा एन एम पी पुनई वॉज फ्राइटेंड और फ्राइटेंड मतलब होता है डर दर जाना ठीक है और जो एम पी था महेंद्रन वो डर गया तो मृदु जो है आश्चर्यचकित हो गई उस आवाज से और पुनाई जो है यानी महेंद्रन वो डर गया आउट ऑफ हिज विड्स उसके बदन कांप उठे ठीक है हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड उसके जो बाल थे महेंद्रन के वो उठ गए थे ही बाउंसड अप वो उछल पड़ा एंड स्क्रीड टूवर्ड्स अ बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज और जाकर छुप गया कहाँ पर एक बम्बू ट्रे ठीक है बम्बू का बांस का ट्रे था जिस पर लाल लाल मिर्चियाँ सुखाई जा रही थी उसके नीचे जाकर वो छुप गया जो कि सुखाने के लिए रखी गई थी मिर्चियाँ उस बम्बू ट्रे पे वो जाकर वहीं छुप गया ट्राइंग टू हाइड भी वो उसके नीचे जाकर छुपने की कोशिश करने लगा ही टिप्ड ही टिप आ फ्यू चिल्ली ओवर हिम उसने कुछ चिल्लीयों को मिर्चियों को अपने ऊपर भी उड़ेल लिया ठीक है मियाओ ही बाउल्ड मिजरी उसके बाद जब उसके ऊपर कुछ मिर्चियाँ गिरी तो चिल्लाया मियाओ मियाओ ही हाउल्ड हाउड मतलब होता है आवाज निकालना ठीक है माइजरेबली बहुत दयनीय रूप से वो आवाज निकालने लगा द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड वेंट ऑन क्रीचिंग मतलब होता है साउंड का जो आवाज होता है आवाज आ रही थी और लगातार आवाज आ रही थी खिड़की से ठीक है वॉट्स दैट नॉइज सेट मिर्दू तब मिर्दू ने पूछा ये आवाज़ कैसी है दैट इज लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रांटेड रवि तब रवि ने बताया कि लल्ली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है ने बताया वो इस तरह से कभी नहीं सीखेगी द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन ऑन एंड ऑन उसने बोला जो म्यूजिक मास्टर है जो म्यूजिक सिखाने वाला है वो बहुत तेजी तेजी से लल्ली को सिखाता है जैसे कोई ट्रेन भागी जा रही हो इस तरह से वो उसको सिखाता है वाई लल्ली इसल द टाइम ट्रेवलिंग जबकि जो लली है वो बार बार अपने सुर भूल जाती है ठीक है सीखना भूल जाती है गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक और अपने रास्ते से बार बार उतर जाती है ट्रैक से बार बार उतर जाती है मतलब उसको कुछ और सुर लगाना होता है और वो कुछ और सुर लगा देती है और जो म्यूजिक मास्टर है बार बार उसको गुस्सा करता है क्योंकि वो तेज़ी से सिखाता है और वो तेज़ी से सीख नहीं पाती है ठीक है इसी वजह से वो बहुत गुस्सा करता है ठीक है बच्चों सो ये स्टोरी थी जो आपने पढ़ा अब देखिए कुछ कॉम्प्रीहन है जो इसको आपको सॉल्व करना है और मुझे आपको मुझे आपको सॉल्व करके रफ कॉपी में मुझे भेजना है ठीक है फिर देखिए क्या करना है व्हाट इज द सीक्रेट डेट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकग्राउंड मैक यार्ड ठीक है आंगन में ऐसा कौन सा रहस्य था जो मीना मृदु के साथ शेयर करती है तो मैंने आपको पढ़ाया स्टोरी में ठीक है भाई कौन सा वो सीक्रेट था ठीक है क्वेश्चन नंबर टू हाउ डज रवि गेट मिल्क फ्रॉम द किटन तो बिल्ली के लिए दूध कैसे लेकर आता है रवि थर्ड क्वेश्चन हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर तो बताइए जो रवि बताता है कि उसके एंसेस्टर्स एंसेस्टर्स मतलब क्या होता है पूर्वज ठीक है पूर्वज तो रवि जो है वो किटेंस का यानी बिल्ली का जो एंसेस्टर है जो पूर्वज है किसको बताता है एंड डू यू बिलीव हिम और क्या आपको उसकी बात पर विश्वास है फोर्थ नंबर क्वेश्चन रवि हैज लॉर्ड टू से अबाउट एम पी पुनई और रवि एम पी पुनई के बारे में यानी जो बिल्ली है महेंद्रन ठीक है पुनई महेंद्र वर्मा जो पुनई है उसके बारे में बहुत कुछ बताता है दिस सोल दैट इससे एक बात क्लियर होती है क्या बात क्लियर होती है बच्चों कि ही इज मेरली ट्राइंग टू इम्प्रेस कि वो अपने जो कज़िन है मृदु को उसके सामने बहुत भाव जमा रहा है उसको बहुत इंप्रेस करना चाहता है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू हिज नॉलेज इज हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री इज साउंड जो उसका हिस्ट्री का नॉलेज है वो जबरदस्त है ठीक है ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन उसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज है बहुत ज्यादा कल्पना कर लेता है ये सब जो उसने बातें बताई हैं वाकई में सच नहीं है बस वो कल्पना करते जा रहा है ठीक है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ रहता ऐसा हो सा हुआ है और उसको सच मान चुका है ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड वह एक बहुत ही जो है इंटेलिजेंट चाइल्ड है ठीक है बहुत ही चालाक दिमागदार चाइल्ड है ठीक है अब देखिए विच ऑफ दीज स्टेटमेंट विच ऑफ़ दिज स्टेटमेंट डू यू एग्री और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आप एग्री करते हैं कौन सा डिसएग्री करते हैं किस बात को आप मानते हैं किस बात को नहीं मानते ये आप उसके सामने लिख दीजिएगा एग्रीड या फिर नॉट डिसएग्रीड ठीक है अब देखिए फिफ्थ तो को नंबर क्वेश्चन है वाट वॉज द नॉइज दैट स्टार्टेड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन ऐसा कौन सा आवाज आ रहा था जिससे मृदु जो है चौंक गई और महेंद्रन डर गया ठीक है तो इतने क्वेश्चन के आंसर आपको भाई रफ कॉपी में सॉरी रफ कॉपी में आपको सेंड करने हैं और आपको मुझे रफ कॉपी में लिखना है और मुझे आपको सेंड करना है ठीक है बच्चों यू हैव टू डू दिस ठीक है और आप इसको मुझे आज सेंड करेंगे ठीक है और आप सबको करना है ठीक है दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे ठीक है और अभी जिसने यूनिट वन में कंप्लीट नहीं किया है चैप्टर उसको वो लोग फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लें और मुझे कल आप लोग सारा होमवर्क भेजेंगे आप लोग सारा होमवर्क मुझे कल भेजेंगे जितना भी आपने करा हुआ है यूनिट वन का वो कॉपी फेयर कॉपी का और यूनिट एक टू का इसका ये आप लोग रफ कॉपी में करके मुझे भेजोगे इतना सारा वर्क आपको कल मुझे सेंड करना है मेरे पर्सनल व्हाट्सअप पे ठीक है ओके स्ट्रेंड दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव अ गुड डे अहेड थैंक यू सो मच